मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए हैं। लेकिन अमृतकाल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा, आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देगी। वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैवी प्रमाण होंगे।